टाइम बहुत कम है, 8 दिन बचे तो भी जो है आप कर सकते हैं आप मेरे लिए तो हर चीज करते हो। 11:30 हो रहा है, मैं रात में ऑफिस से। उर्दू अकेडमी के आजादी से अब तक हमेशा बजट रिटर्न गया, ये फर्स्ट टाइम है उर्दू अकेडमी में इनो आए और पूरा बजट यूज हो गया। और बजट की जरूरत है से कुछ पॉलिटिकली कुछ हमारा है तो भी जरा मशवरा दीजिए। हम भी बजट बड़ा बोलिए, उर्दू अकेडमी का बड़ा बोलिए, बजट कम पड़ रहा है, 10 करोड़ कम पड़ रहा है उर्दू अकेडमी को, 10 करोड़ उर्दू अकेडमी को, फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी अब रिपोर्टन कीजिए। देखो खैरत अली शायद मिनिमम 50,000 हो या 1 लाख डायरेक्ट लोन। क्या हो रहा काट क्या है, अपने जो लोग है ना इतना प्रोसेस करना बोले तो बहुत मुश्किल है सर। वो शबाना मैडम जरा सामने आओ, डायरेक्ट लोन सिस्टम में आप डायरेक्ट अप्लाई करो, डायरेक्ट लोन सिस्टम आया था सुकून रहता। चेक फॉर्म फिल अप कर रहे हैं अभी हमारे माइनॉरिटी सेल की सेक्रेटरी है समर्थ नगर से ग्रेटर हैदराबाद की, मैंने अभी फॉर्म लेने आई थी या मुलाकात हुई तो आके साहब से कुछ भी रहा तो साहब से मिलो आप, पर्सन लाओ साहब से आओ, अगर विलायत साहब से किससे भी मिलो तो कुछ तो बता दो। नहीं नहीं हम लोग तो बैठ के हैं, कभी भी ऊपर आके मिल सकते हैं, नीचे लोग बातचीत वगैरह कर जाएंगे, मसला नहीं है, ऑफिस पूरी खुली रहे। वो आपका मांग में वही बोला, लोगों को रोक के रख रहा हूँ रात में 11:30 तक। भाई जुनैद अली मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी है हमारे डीडीपी के, इन्होंने मुज्जू जो है वाइस प्रेसिडेंट है, अली कहाँ है सलाम करो भाई, उठते भी कभी आओ तुम, हमेशा मैं हूँ क्या कुछ 50 ईयर्स तक रहा तो अच्छा रहता सर। नहीं वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जीओ 101 वो चीफ सेक्रेटरी निकाले, वो हमारे लिए नहीं, बीसी एससी माइनॉरिटी एससी के लिए 5 साल का एग्जम्पशन है 45 करे, बीसी माइनॉरिटी के लिए जो है 21 to 40 years, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। अगर उसमें भी कुछ एज में ये भी आप रिप्रेजेंट कीजिए, ये 50 तो और बेनिफिशियरीज आते हैं, हमको भी क्या है बेनिफिशियरीज की जरूरत है, पैसा खर्च करना है हमको भी जो है बेनिफिशियरी।